हे बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन प्लैटिनम। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हम लोग आ चुके थे डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में, क्योंकि हम लोग साइरस का पीछा करते करते यहाँ पे आए थे एंड सिंथिया भी हमारे साथ आई थी। तो गाइस, आज के एपिसोड में हम लोग आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने वाले हैं एंड मैं यहाँ पे आके रुक गया था लास्ट एपिसोड में, लेकिन चलो देखेंगे आज के एपिसोड में आगे को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी अगर मैं उसको फिगर आउट कर सकता हूँ कि नहीं। लास्ट एपिसोड में मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया था, बट मैंने ऑफलाइन थोड़ा सा देखा था कि मुझे क्या करना है एंड मे बी आई नो मुझे अभी क्या करना है। आई एम नॉट श्योर बट स्टिल मुझे बस यहाँ से नीचे नीचे जाना है जहाँ पे हम लोगों को गिराटीना देखने को मिलेगा। एंड गाइस, आज मैं गिराटीना को मे बी चांस है कि मैं उसको पकड़ने की ट्राई कर सकता हूँ। चांसेस तो है, लेट्स सी। बट एक बात बोलूँ गाइस, डिस्टॉर्शन वर्ल्ड का जो म्यूज़िक है ना वो काफ़ी अच्छा है। ओके, यहाँ पे साइरस आ भी चुका है, दैट मीन्स हम लोग सही जा रहे हैं। द शेडोई पोकेमोन इजंट हियर, इट अबैंडन्ड मी हियर देन डिसअपीयर्ड समवेयर फादर डाउन, मतलब और नीचे चला गया। वॉज इट कंटेंट मेयरली टू इंटरफियर विथ माई प्लान? इंसिडेंटली डू यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जीन्स? हाँ, मुझे पता है, जीन्स तो सबको पता है। इफ़ इट्स ट्रू यू हैव इम्प्रेस्ड मी। जीन्स कैन बी कंसिडर्ड द ब्लू प्रिंट्स ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। हाँ, सबके अलग अलग जीन्स होते हैं। That includes humans and Pokemon alike. Genes are contained in a DNA strand. Okay, a DNA strand consists of two chains of opposing characteristics. Okay, in a spiral, if one of chains were to be taken broken, the other could replicate it. One or other cannot exist without its opposite. Do you understand where I'm going with this? This is bizarre world. Time doesn't flow. Space isn't stable. Only that shadowy Pokemon lives here. This world is the opposite of our world. Our world I wish to change. It is like the two chains composing strand of DNA. The two worlds must be balancing each other to remain in existence. हाँ, I guess. And ये world पर पूरा गिराटीना का कब्जा है, तो मतलब बाकी कोई भी यहाँ पर exist नहीं करता। And guys, आपको तो पता ही होगा, मतलब मुझे नहीं पता कि RCS, मतलब एक स्टोरी है इसके पीछे कि RCS ने गिराटीना को पनिशमेंट के लिए काइंड ऑफ डिस्ट्रॉशन वर्ल्ड में बना भेज दिया था, समथिंग लाइक दैट, एंड फिर वो यहाँ का किंग बन गया, ऐसे ही कुछ। तो मतलब अगर आपको स्टोरी पता है तो लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। ये तो आई गेस किसी पोकेमॉन के मूवी में बताया था, बट मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है। विदाउट द वन द अनदर कैनॉट एग्जिस्ट। द शैडोई पोकेमॉन मस्ट प्ले अ रोल इन कीपिंग द वर्ल्ड इन बैलेंस। दिस इज़ वाई इट मस्ट हैव इंटरफियर्ड एंड ब्रॉट मी हियर। The shadowy Pokemon must have made this bizarre world. That's why trying to change our world disturbed it and made it in rebel itself. हाँ, मतलब हो सकता है साइरस ठीक भी हो सकता है, बट या लेट्स सी। बट दैट इज़ ऑल इनरेलीवेंट। ओके, वॉट मैटर्स इज डिफेटिंग दैट पोकीमॉन एंड मेकिंग दिस वर्ल्ड डिसअपियर। आई वॉन्ट अलाउ इट टू इंटरफियर विथ माई अगेन। विथ इट गॉन नाइदर वर्ल्ड विल बी एबल टू रिवर्ट टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ओके, साइरस तो गिराटीना को मतलब हराना चाहता है, जो कि होपफुली आई डोंट थिंक वो हरा पाएगा, ऑब्वियस ही बात है। ओके, मुझे जाना कहाँ पे है? मैं तो अंधे में ऐसा जा रहा हूँ, लेट्स सी मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, मुझे वो भी नहीं पता। यहाँ पे कुछ तो है, चलो ऊपर जाते हैं। ओ, और नीचे जाना है मुझे, मैं भूल ही गया था। ओके, ये वो लेक पोकेमॉन में से एक पोकेमॉन है, मुझे इनका नाम याद नहीं है, कौन सा मेस्पिरिट है, कौन सा युक्सी है, कौन सा वो तीसरा वाला कौन सा है, मुझे उसका नाम भी याद नहीं आ रहा। बट या उसने मेरे को हिंट दे दिया कि मेरे को इस बोल्डर को नीचे ढकेल देना है। ओके, और हमारे पास हमारा HM स्लेव तो है ही, तो हमारा काम तो हो जाएगा आई गेस। नीचे एक और है, चलो यहाँ पे जाते हैं। ओके, आई गेस ये जो पिंक वाला है ना वो युक्सी है। ओके, मुझे इस वाले को भी नीचे ढकेल देना है। ठीक है ब्रो, समझ गया। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो तीन वाला लेक के पोकेमॉन है, तो मुझे तीन बोल्डर्स को आई गेस नीचे ढकेलना पड़ेगा। सो या, नेवर माइंड,
यहाँ से जरा और ऊपर जा रहे हो। ओके ठीक है, वो यहाँ पे पत्थर था। लेट्स सी ये रास्ता गायब कहाँ से हो रहा है लिटरली। ओ गाइस गिराटी ना गया हमारे ऊपर से। वेट क्या वो साइरस है? वहाँ पे मैंने साइरस को देखा था गाइस। ओके ओ डैम, मैं कहीं पे तो आ रहा हूँ, आई डोंट नो कहाँ पे, बट या चलो देखते हैं, यहाँ पे जाते हैं। अभी मैं फिर से नीचे जा रहा हूँ। जी हाँ गाइस साइरस ही है वो। वो भाग गया, मुझे देख के भाग गया वो फट्टू। ओके यहाँ पे मैं सर्व कर सकता हूँ गैस्ट्रोन। ओके, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। दैट मीन्स ये क्या है भाई, पूरा उल्टा। ओके मेरे को कंट्रोल करना थोड़ा हार्ड है इसको, बट स्टिल हम लोग आ चुके हैं। हम लोग वाटरफॉल, ये वाटरफॉल ही लग रहा है मुझे, बट हम लोग इसको उतर रहे चढ़ रहे, आई डोंट नो, आई गेस चढ़ रहा हूँ मैं इसको, नहीं उतर रहा हूँ, पता नहीं, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। ओके, फाइनली मैं उतर चुका हूँ गाइस। आई गेस यहाँ से ओके, मेरे को ये इसको ढकेलना है, ये थर्ड लास्ट बोल्डर होगा, और आई गेस ये एजल्फ है, पता नहीं यार। गाइस अगर आपको पता रहेगा ना तीनों पोकेमोन कौन से हैं, तो मुझे बस ट्रिक बता देना। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग उनको कैसे याद रखते हो कि ये वाला वो है, ये वाला वो है, समथिंग लाइक दैट। आपको मतलब याद तो होगा ही आई गेस। ओके मुझे इस वाले बोल्डर को आई गेस जो लोग कहाँ पे खड़े उनके उसमें डालना रहेगा। मैं समझ गया हूँ, मतलब मुझे पता चल गया इन शॉर्ट। थोड़ा और ढकेलना पड़ेगा। ओके एक तो हो गया, चलो दूसरा ढकेल देते हैं। दूसरा ये रहा बोल्डर। ओके मेरे को उसमें ढकेलना है उसको। ओके दूसरा भी डन आई गेस। थर्ड बट द नॉट लीस्ट, ओके वो यहाँ पे है। ओके ये एजल्फ ही था, मैंने ब्लू वाला सही पकड़ा। ओके मतलब गेस किया। अभी क्या करना है मुझे? अरे मेरे को ऊपर नहीं आना था, बट या कोई बात नहीं, फिर से नीचे चले जाएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पे सिंथिया है नीचे। आई गेस द पोकेमोन ऑफ द लेक मस्ट हैव गॉन होम। आई अंडरस्टैंड दे कैन कीप बैलेंस अगेंस्ट आइदर पालकिया और डियालगा। डज इट मीन दे कान डू दैट विथ गिराटीना? उप्स दिस इज नो टाइम फॉर आइडियल चिट चैट। ओके पीछे एक रास्ता अपीयर हो गया, चलो यहाँ पे जाएंगे। लेट्स सी ओके आगे मेरे को साइरस दिख तो रहा है, बट या दिस इज इट, गिराटीना इज अप अहेड। तो बैटल होने वाली है क्या मेरी गिराटीना के साथ? वेट आई गेस मेरी साइरस के साथ बैटल होगी, सो इट्स बेटर कि मैं अगर मेरे माचोप, नहीं माचोप को पीछे रख देता हूँ, मतलब हम लोग हमारे इन्फरनेम के साथ स्टार्ट करूँगा मैं। सो यू वेर ऑलरेडी हियर, वाई डू यू सीक टू चेंज द वर्ल्ड? इफ़ यू हेट अवर वर्ल्ड यू शुड जस्ट गो ऑफ समवेयर अलोन, फाइंड समवेयर वेर यू कैन लिव विदाउट सीइंग अदर्स। वाई शुड आई रन एंड हाइड फ्रॉम द वर्ल्ड एंड हैव अ वेट क्वाइटली? माई एम इज़ टू रिड अवर वर्ल्ड ऑफ द वैग्यू एंड इनकम्प्लीट थिंग वी कॉल स्पिरिट बाई फ्रेइंग अवर सेल्फ ऑफ दैट
अवर वर्ल्ड कैन बी मेड कंप्लीट, ओके, दिस इज माय जस्टिस, नो वन कैन इंटरफियर, ओके, आई वॉन्ट लूज, नॉट टू दैट शेडोई पोकेमॉन, नॉट इन एनी वर्थलेस वर्ल्ड, ओके, बैटल आने वाली है गाइज। साइरस के बाल का कलर चेंज हो गया क्या? ओके, क्लोज कॉम्बैट डार्क टाइप है ना ये पोकेमॉन, ओके, वन शॉट किल, नाइस। गैराडोस के लिए मेरे को लक्सरी की ज़रूरत थी, बट टू बैड हमारे पास वो है नहीं, तो हम लोग स्टारैप्टर का यूज़ कर लेंगे अभी। स्टारैप्टर के पास मैंने रिटर्न सिखा के रखा है, जो कि आई गेस यहाँ पे काम आ सकता है। ओके, कोई बात नहीं, चलो इसको, गैराडोस को मैंने हरा दिया। एक वेवाइल आ रहा है, वेवाइल के लिए भी हम लोग यूज़ करेंगे इन्फर्नेब का, फ्लेम तुरई काफ़ी है। फेक आउट, ओके, इसकी स्पीड मेरे इन्फर्नेब से ज़्यादा है, लेवल भी तो ज़्यादा है। क्रोबैट के लिए मैं यूज़ कर लेना चाहूँगा आई गेस गैस्ट्रोडॉन, लेट्स सी। सबसे पहले बारिश करा दो, ओके, टॉक्सिक, आई सी तेरा क्या प्लान है, मुझे समझ में आ रहा है। मैं फुल हील यूज़ कर लेगा, एंड लेट्स गो सर्फ, ओके, कन्फ्यूज रहे, प्लीज़ खुद को हट मत कर प्लीज़, और टॉक्सिक भी कर रहा है। वेट गाइज, फिर से मुझे हील करना पड़ेगा फुल हील से, और तूने भी फुल रिस्टोर यूज़ किया, नाइस ब्रो। अरे कितना टॉक्सिक करेगा यार, वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले हील कर लेता हूँ खुद को थोड़ा सा, मतलब खुद के पोकेमॉन को, गैस्ट्रोडॉन को, मिस हो गया उसका अटैक, और अभी फुल हील से उसका पॉइजन हटा देते हैं। फिर से यूज मत करना टॉक्सिक प्लीज, ओके, फाइनली इसका क्रोबैट चला गया, बहुत अनॉइंग था यार। इसका आखिरी पोकेमॉन एक हॉर्नक्रो, हॉर्नक्रो के लिए यूज करूंगा मैं ये बाइट आई गेस, इसको बस एक और लेवल चाहिए गाइस, फिर ये इवॉल्व हो जाएगा। लेट्स यूज ड्रैगन क्लॉ, ड्रिल पैक, ओके, कुछ ज़्यादा ही हमला नहीं दे दिया गाइस इसने, ओके, फ्लेम थ्रोअर, ओके, हरा दिया मैंने इसको। लेट्स सी इसको क्या कहना है, डोंट थिंक दैट यू कैन डिफीट और कैप्चर दैट पोकेमॉन, दिस बिजार वर्ल्ड इज नन अदर दैन दैट पोकेमॉन इट सेल्फ, कैप्चरिंग इट और डिफीटिंग इट विल मेक दिस वर्ल्ड डिसअपियर, वेरी वेल, डू वॉट यू विल, रैदर दैन रिपेयरिंग द वर्ल्ड यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय इट फॉर मी, डू इट, यू इनहेरिट माई लेगेसी, ओके, ठीक है, बट नहीं, आई डोंट थिंक अगर मैं इस पोकेमॉन को पकड़ लूँगा तो ये वर्ल्ड गायब हो गया, डोंट बिलीव दिस लाइज, ओके, मैं भी तो वही बोल रहा था। It's not possible that Pokemon can make the world disappear. The world awaited your birth, not only yours either, okay. The Pokemon with you, the people close to you, all the Pokemon and people were born because they have a part in your the world, okay. I'm convinced of that. Giratina won't go out of existence. The distortion world won't disappear. Our world won't disappear either. Let's go meet Giratina. Oops, I should do something about your hardworking Pokemon first. Okay, thank you. तूने Pokemon heal कर दिया, मतलब मुझे बहुत ज़रूरत थी इसकी। Giratina is enraged because the two worlds are in danger. Okay, it has merged the distortion world and our world at the spear pillar. That's why both worlds are becoming distorted. But there's nothing to fear. You can defeat Giratina and show the tight bond
यू शेयर विथ योर पोकेमॉन। हाँ मतलब जैसे कि ऐश का उसके ग्रेनिंजा के साथ है वैसा वाला बॉन्ड ना, ठीक है। और यू कैन डेमोन्स्ट्रेट हाउ मच यू वॉन्ट इट टू जॉइन यू। इफ यू सक्सेडेड डूइंग ईदर गिराटिना विल अंडरस्टैंड द डिस्ट्रॉशन ऑफ द टू वर्ल्ड विल स्टॉप। ओके समझ गया, बट फर्स्ट मैं मेरे गिबाइट को आगे रखना पसंद करेगा। गाइज लेट्स गो, लेट्स ही, देखते क्या होगा। ओके आ गया क्या ब्रो तू? ओके आने ही वाला है वो, चलो देखते हैं। ओके आगे प्लेटफॉर्म अपीयर हो रहा है इस वर्ल्ड की, ये काफ़ी अच्छी बात है। ओके आई गेस गिराटी ने आ गया और मैं इसको पकड़ने की ट्राई करेगा। लेट्स सी अगर मेरा लक अच्छा रहा तो। पहले तो मेरे को इसके एचपी कम करनी पड़ेगी। ग्रैटिना इज क्वाइटली आइंग ओमकार। ओके मतलब मुझे देख रहा है। ओके ब्रो लेट्स सी। और गाइज इसका लेवल द डिस्ट्रॉशन वर्ड्स ग्रैटिना, ओके इसका लेवल उतना ही रहेगा जितना आई गेस मेरे पोकेमोन का लेवल है, जस्ट टू बी फेयर। ओके एंशिएंट पावर यूज़ किया फर्स्ट ऑफ ऑल। ये एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन है ना, तो अगर मैं इसके सामने ड्रैगन टाइप हमला करूँगा तो वो मतलब सुपर इफेक्टिव होना चाहिए। ओके इसका लक अच्छा है, इसका सब स्टैट मतलब इसके सारे स्टैट्स बूस्ट हो गए। ओके ओमनियस विंड, ओके थोड़ा और डैमेज, थोड़ा और डैमेज। आई गेस मुझे हील कर लेना चाहिए। क्योंकि आई गेस वो तो हील नहीं कर पाएगा खुद को, ऑब्वियसली बात है, बट स्टिल। प्लीज़ इसके स्टैट्स और बूस्ट मत कर देना। ओके थैंक गॉड। ओके एंशिएंट पावर क्यों स्पैम कर रहा है ये मेरे ऊपर? चलो होपफुली ये फेंड ना हो जाए बस। ओ डैम लिटरली कितनी एचपी बची है। नाउ इट्स टाइम टू कैच दिस पोकेमॉन। मेरे पास तीन ही अल्ट्रा बॉल है, क्या करूँ? अल्ट्रा बॉल ट्राई करता हूँ, होपफुली फिंगर क्रॉस, फिंगर्स क्रॉस्ड आई मीन, होपफुली आ जाए, होपफुली आ जाए। प्लीज प्लीज। ओ डैम एक ही पोके मतलब एक ही अल्ट्रा बॉल में आ गया वो। ओके आई गेस मैं लकी हूँ गाइज, एक ही अल्ट्रा बॉल में आ गया लेजेंडरी पोकेमॉन। रेनिगेड या फिर रेनिजेड जो भी पोकेमॉन है, इट वॉज बैनिश्ड फॉर इट्स वॉयलेंस, इट साइलेंटली गेज्ड अपॉन द ओल्ड वर्ल्ड फ्रॉम द डिस्ट्रॉशन वर्ल्ड। ओके निकनेम नहीं गाइज, मुझे पता ना क्या मुझे इस पोकेमॉन को अपने टीम में ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ग्रेनाडिना सीम्स टू हैव अंडरस्टूड अस। ओके दैट पोकेमॉन दैट सम द शैडोई पोकेमॉन वॉज कैप्चर्ड। जी हाँ मैंने पकड़ लिया उसको। You are doing so means this irrational world will remain in existence. Does that make it is impossible for me to create a new world? Even if I made new red chains, the new world can't be made. Why? What compels you to protect the two worlds? Is spirit a voyage, an incomplete thing so important to you? The place we born, the time we spend living, the language we speak, we are all different, but the presence of Pokemon unites us. We share our lives with our Pokemon and our happiness grows as well. We become greater than they were alone, okay? That is why we can battle and trade with anyone we choose. Silence! Okay. Enough of your battling, okay? That's how you justify spirit as something worthwhile. That is merely human hoping, deluding themselves that they are happy and safe. The emotions rolling inside me, rage, hatred, frustration,
दीज अगली इमोशंस अराइज बिकॉज ऑफ माई ओन इनकम्प्लीट स्पिरिट. ओके आई डोंट नो यार, मतलब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, बट या इनफ, वी विल नेवर सी आई टू आई, दिस आई प्रोमिस यू. आई विल ब्रेक द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, विद दैट नॉलेज आई विल क्रिएट माई कम्प्लीट एंड परफेक्ट वर्ल्ड. वन डे यू विल अवेकन टू अ वर्ल्ड ऑफ माई क्रिएशन, अ वर्ल्ड विदाउट स्पिरिट. ओके ऑल द बेस्ट ब्रो. सिंस देर इज अ सैडनेस वी कैन फील जॉय, वेन देर इज अ एंगल कंपैशन इज बॉर्न. लेट्स गो बैक टू होम, द पोर्टल वेर गिराटिना वॉज शुड लीड बैक टू अवर वर्ल्ड. ओके गिराटिना वॉज इन रिटन इन लेजेंड एज बींग ऑन द अदर साइड ऑफ अवर वर्ल्ड, इट स्टैंड ऑन रीजन दैट इट हैज अ लिंक टू द अदर साइड. ओके ठीक है, देर इज अ पोर्टल वेर गिराटिना वॉज, विल यू लीप इन. ओके ठीक है, हाँ चलो चलते हैं रियल वर्ल्ड में. ओ गाइस शाम हो चुकी है. दिस प्लेस, ये कौन सी प्लेस है? इट्स सेंड ऑफ स्प्रिंग, इट्स सेड टू समहाउ लीड टू द ग्रेट बियॉन्ड. ओके एंड गिराटिना वॉज सेड टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अवर्स. ओके ओ आई एम सिंसियरली सॉरी, इट्स वेरी रूड ऑफ मी. ओमकार यू आर इनक्रेडिबल, यू आर रियली अ फैंटास्टिक ट्रेनर. लेट मी से दिस इज ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सिनो. ओमकार थैंक यू, दैट्स राइट, यू हैव टू गो टू टेल प्रोफेसर रोहन. He was very worried about you. He should visit him. You should visit him at his lab, okay? मतलब मेरे को अभी प्रोफेसर रोवन को मिलने जाना है ना. ओके ठीक है. अरे भाई फ्लाई यूज करना है मुझे, ये क्या हो रहा है? जहाँ तक मुझे याद है सैंड जेम सिटी यही थी. ओके चलो यहाँ पे जाते हैं, प्रोफेसर रोवन को मिलेंगे एंड देखते हैं आगे क्या करना है. पहले हील करना है पोकेमोन को. हेलो नर्स जॉय, पता है मैंने आपकी जान बचाई है तो आपको मेरे पोकेमोन को हील करके देना पड़ेगा इन रिटर्न. आपकी क्या, मैंने पूरी पोकेमोन की वर्ल्ड की जान बचाई है. इट्स लाइक दैट, जो कि मैं हमेशा बचाता रहता हूँ. बट या स्टिल सैंड जेम टाउन चलो देखते हैं प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं. ओमकार यू हैव केम बैक, यू लीव मी स्पीचलेस. यू हैव डन इट, यू रियली हैव डन इट. Never has my heart pounded this hard so long in my 60 years of living. Okay. The professor did a lot of checking up after you left. He was really worried about you, Omkar. He contacted acquaintances looking for help. And Omkar, I'm glad to see you safe. Welcome back. Oh yes, there was something I had to tell you. The three Pokemon of the lakes appear to have returned to their homes. So tell me, how are you things going for you? The Pokedex, a total of 141 and the number of badges, well you have got 7 already. That only leaves Shani Shore gym. You have come this far, why not obtain Shani Shore badge? Okay and why not challenge the Pokemon League? Obviously baat hai, wo to mere ko karna hi hai. That will broaden your horizon, okay, further than ever before, not to mention the opportunities to meet even more Pokemon. Okay theek hai, thank you Professor Rowan. That means abhi main Shani Shore se ja sakta hu एंड शनि सोसाइटी जा सकता हूँ. दैट मीन्स गाइज हम लोग हमारे टीम में हमारा जो आखिरी मेंबर है उसको भी ऐड कर सकते हैं. गाइज मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देना गाइज, क्या मुझे रोज रेड को लुकारियों की जगह रखना चाहिए? आई रियली डोंट नो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. बट फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलेंगे. ओके थैंक गॉड पोकेमोन नहीं आया वाइल्ड कोई. बट अभी मैं शनि सोर सिटी जा सकता हूँ, दैट मीन्स मैं मेरा इलेक्ट्रा वायर या फिर इलेक्ट्रा बस पकड़ सकता हूँ उस रूट पे, जो कि उस रूट पे मिलता ही है, कॉमन है वो उस रूट पे. बट गाइज आई गेस मैं सोच रहा हूँ कि मैं लुकारियो को हटा के रोज रेड को रख लूँ अपने टीम में. बट या लेट मी नो आप लोग क्या सोचते हैं. मैंने मैक्सेल मारा है क्या? नहीं तो विंगल, नहीं ये नहीं चाहिए. सॉरी ब्रो आई एम नॉट लुकिंग फॉर यू. एक फ्लोट जल ये भी नहीं चाहिए. वेट कांट एस्केप व्हाई? आई गेस कोई स्ट्रॉन्ग पोकेमोन आगे रखना पड़ेगा.
या फिर मेरे को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं, रूट 222 पे मिल ही जाता है। यही तो, इसके लिए तो लुकिंग कर रहा था गाइज। होपफुली ग्रासनॉट से तुझे कोई अटैक होगा नहीं। ओके शॉक वेव, ओके। अरे यार क्रिटिकल हिट लग गई, बेचारा फेंट हो गया। क्यों, जब जरूरत नहीं थी तब। अब क्या करे, एक और ढूंढना पड़ेगा मुझे। प्लीज ब्रो आ जा जल्दी, इलेक्ट्राबस एक और। ओके ये फीमेल है और 41 लेवल की है। लाइट स्क्रीन, थंडर पंच भी आता है और इसको डिस्चार्ज भी आता है। इसको तो मेरे को कुछ भी करके पकड़ना ही है। एक काम करता हूँ, अभी पकड़ लेता हूँ मैं, ट्राई कर सकता हूँ ना, मेरे पास एक अल्ट्रा बॉल था। चलो एक और अल्ट्रा बॉल में ट्राई करते हैं। ओ डैम, एक एक पोके बॉल में आ रहे हैं यार। ओके इट विंड मिल्स इट आर्म्स टू स्लाइटली बूस्ट इट्स पंच। ओके फ्यूज फोर्स हैव बीन नोन टू एस्केप इन द मीन टाइम। ओके ठीक है गाइस, कोई बात नहीं। हम लोगों को हमारा आखिरी टीम मेंबर भी मिल चुका है, जिसको मैं मेरे टीम में लेने वाला हूँ। आई गेस एक काम करता हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग शनिश्वर सिटी के जिम को चैलेंज करेंगे। आज के एपिसोड में यहीं पे क्लोज करूँगा। आई होप आप लोगों को मज़ा आया आज के एपिसोड में। आया ना गाइस, आया तो लाइक कर देना। यहाँ पे पोकेमॉन हील कौन करता है? यहाँ पे कोई तो था जो पोकेमॉन हील करता है, जहाँ तक मुझे याद है। आई गेस इस घर में कोई तो था जो पोकेमॉन हील करके देता है। हाय आई एम द गेम डायरेक्टर, यू आर वर्किंग ऑन फिलिंग पोकेडेक्स। आई होप यू विल कम शो मी द पोकेडेक्स व्हेन यू आर फिल्ड। ओके ठीक है ठीक है, मुझे बताना अगर मैंने पूरा पोकेडेक्स कंप्लीट किया तो ये मुझे क्या देगा। ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए, तभी तो मैं इसको दिखाऊंगा पोकेडेक्स। बट या गाइस, आई गेस आज का एपिसोड मैं यहीं पे एंड करूंगा। आई होप आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड पीस आउट।